mic. आज हम गर्सनावादी प्रस्तुत करने जा रहे हैं नुक्कड़ मोहल्ले में कूड़ा ये हमारा देश है, हम इस देश के नागरिक हैं। कूड़ा फिराना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कंजूसी नहीं करते, नहीं करते। दीवारें हमारी मिट्टी का हर कोना कूड़ेदान, दीवारें हमारी मिट्टी का हर कोना कूड़ेदान। कागज के थैले में सब्जी बेचूंगा। अच्छी बात है। आपको पता है प्लास्टिक कितना हानिकारक होता है? यदि बारिश का पानी धरती के अंदर जाना चाहे तो वह प्लास्टिक की वजह से नहीं जा पाता है। जब म्युनिसिपैलिटी वाले कचरा उठाने आते हैं तो कचरा उठाने से पहले ही जानवर उन्हें खा जाते हैं। इससे अच्छा यही है कि जब भी आप घर से बाहर सामान ले जाएं तो कागज की थैलों का ही प्रयोग करें। हम सब ने है खानी, अपना लो कागज की थैली रानी, ये सोसे आनी। खाना हमारा स्वच्छ रहे ये दिल में बिठाए, अपने घर में लाए, ऐसे सबके दिल में अपनी जगह बनाए। याद दिला दो काशी को उसकी नानी, ये सोच से आनी। क्या शानदार दावत थी। दाल मखनी का तो जवाब ही नहीं था, वो चार कोरी का तो सवाल ही निराला था। अरे भाई, मेरा पेट तो स्नैक्स से ही भर गया, सारा खाना तो मुझे कूड़ेदान में ही डालना पड़ा। अरे वाह भी वाह, आपसे ज्यादा खाना तो कूड़ेदान खा जाता है। आपको पता है हमारे देश में कितने लोग रोज भूखे सोते हैं? भूखे सोते हैं। और आप अपना बचा खाना कूड़ेदान में फेंक देते हैं। आप खाना प्लास्टिक और रबड़ की पॉलिथीन में मिलाते हैं, पता है कितना जहरीला होता है? हमें तो खाना खाने से मतलब है, चाहे रैपर में हो चाहे पॉलिथीन बैग में हो। मैं हूँ भारत माता, बस अब बस भी करो मेरे बच्चों, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करो। प्लास्टिक की थैलियों की गंदगी से मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, बस अब मैं और सहन नहीं कर सकती। प्लास्टिक की थैलियों ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, बारिश का पानी भी मुझ तक नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं पहुँच पा रहा है। प्लास्टिक
धरती को ही नहीं समुद्र में रहने वाले जीवों को भी हानिकारक नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक की उम्र इतनी लंबी होती है कि जलने पर जल्दी से नष्ट नहीं होती और जलाने पर जहरीली गैस छोड़ती है जब और पर्यावरण को दूषित करती है। और आप सब जानते हो कि प्लास्टिक से नालियां बंद हो जाती है और सारा नालियों का पानी सड़कों पे आ जाता है। हमारे जितने भी यहाँ पे भाई खड़े हैं और जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है सभी से मैं अनुरोध करूंगी अपना सीधा हाथ अपने ऊपर करें फिर सामने ले आए और इन बच्चों के माध्यम से जो आज हम आपको प्रण करवाने वाले हैं, मैं अपने व्यापार मंडल के सेक्रेटरी सर सभी जनों से अनुरोध करती हूँ प्लीज़ आप सर यहाँ आ जाए। मांगीलाल जी, शाश्वत जी, सर तारिक सर, हमारा प्रयास गरसाना को स्वच्छ बनाने का इन बच्चों की मेहनत विफल न जाए इसीलिए हम एक प्रण करवा रहे हैं, शपथ दिलवा रहे हैं। दुगा सर, नए गरसाना निवासी अपने जो भाई मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे हैं कोई शर्म की बात नहीं है कुछ अच्छा प्रण लेने में। सारे जने जितने भी मेरी आवाज़ें सुन रहे हैं अपना सीधा हाथ बाहर निकालें। राठौर जी, राठौर सर सीधा हाथ बाहर निकालें, ट्रैफिक की व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैं गरसाना निवासी सूर्या स्कूल के बच्चे जोर से बोले, मैं गरसाना निवासी अपने घर आंगन मकान दुकान को साफ रखूंगा एवं कूड़ेदान का प्रयोग करूंगा, अपने सब तरफ लोगों को जागरूक करूंगा कि पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें एवं जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा जरूर लगाएं जो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उपाय होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम इस रैली को यहीं पे विराम देते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ जा रही है वो गुरुद्वारे तक हमारे साथ में चलने का कष्ट करें। भारत माता की।